तुम लोग अगर चाहते हो मेरे साथ कॉपरेट करना अपने लिए, मुझे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दौलत, जो आएगा मैं तुम्हें सब बख्श दे दूंगा, सिर्फ मैं तुम्हें आगे करना चाहता हूं, दुनिया के सामने तुम्हारी पहचान देना चाहता हूं। तुम अच्छा काम करोगे तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम तुम्हारी वजह से रोशन होगा। आज पाकिस्तान के लिए सब थूतू कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को चोर समझते हैं, भीख मांगे समझते हैं, इसलिए कि हमारी आदतें खराब हो गई। तुम्हारे अंदर ये लोग ऐसे हैं जो पहले तो रो रो के कह रहे थे हमें काम दो, और जब मैंने उनको काम दिया है उनके फन की इज्जत करके, उन्हें एहसास दिला के कि तुम बहुत अच्छे फनकार हो, टैलेंटेड फनकार हो, तुम्हें घिघियाने की और मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर दे दूंगा काम, तुम्हारे घर पे ला के दूंगा काम, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये कुछ नहीं, अच्छा नहीं हुआ। काश ये लोग मेरा साथ दें, अगर ये मेरा साथ देते तो मैं 2 महीने में एक फिल्म बना के बाहर निकाल सकता था। आज 4 महीने हो गए और उस 4 महीने के अंदर मैंने एक फिल्म तो क्या एक ड्रामा भी सामने लेकर नहीं आ सका। लोगों के सामने मेरा नाम है, मेरी इज्जत है, मुझे सराहते हैं, मुझे प्यार करते हैं और मेरी फिल्मों का, मेरे ड्रामों का इंतज़ार करते हैं। दुनिया में मेरा नाम है, दुनिया के लोग पहचानते हैं कि शेख खान पाकिस्तान का वो शख्स है जो फन की कदर करता है, टैलेंटेड लोगों की कदर करता है, और इसीलिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसकी फिल्में, उसके ड्रामे, उसका हर काम सामने आता है और कामयाबी हासिल करता है। तुम लोग नहीं मान रहे, अब भी अहद कर लो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। तुम क्यों नहीं समझते, तुम खुद बताओ, क्या मैंने तुमसे कुछ पैसे मांगे हैं या मैंने कहा कि 2 महीने बाद दूंगा पैसे, पहले काम करो। तुम्हें हर तरह की सहूलत दी है मैंने, हर तरह की सहूलत दी है मैंने, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी तुम्हें सहूलत ना दी हो? क्या तुम्हें वक्त से पहले पैसे नहीं दिए? तुम्हारे घर में जितनी ज़रूरत थी, परेशानियाँ तुम लोग उठा रहे थे, तो क्या मैंने उस ज़रूरत को पूरा नहीं किया? तुम्हारी परेशानी को अपनी परेशानी समझ के ख़त्म नहीं किया? बोलो, जवाब दो मुझे। जब मैं तुम्हारे साथ इतना कोऑपरेट कर रहा हूँ बेलौस बेगरज, तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे साथ? और मेरे साथ नहीं बल्कि अपने साथ। अच्छा काम करोगे, तुम्हारा नाम मशहूर होगा, तुम सामने आओगे, सेल्फियाँ तुम्हारी बनेंगी, तारीफें तुम्हारी होंगी, टीवी, रेडियो और अखबारात में तुम्हारी तस्वीरें आएंगी, तुम्हें सराहा जाएगा, उसके साथ मेरा नाम नहीं आएगा। अरे मुझे तो पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि दुनिया जानती है। मुझे गरज नहीं है, कोई गरज नहीं है कि अपने नाम कमाने की, मेरा नाम बहुत है। मैं उस नाम को शेयर करना चाह रहा था, उस इज्जत को शेयर करना चाह रहा था तुम्हारे साथ, जो मुझे अल्लाह ताला ने दी है, और वो इज्जत मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो मुझे इज्जत से नवाजा गया है, उस इज्जत में तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। लेकिन तुम लोगों ने, या उन लोगों ने जो मेरे सामने आज उनके होना था, मेरा मुझे बहुत सारा काम करना है, मेरी फिल्म अधूरी पड़ी है, कोई ड्रामा मैंने शुरू नहीं कर सका, मैंने फिल्म का आगाज किया था कि चलो पहले फिल्म बनाता हूँ, लेकिन फिल्म मेरी अधूरी है। 4 महीने हो गए, मैं पूरी कोशिश के साथ अच्छे आर्टिस्टों को लेकर जो टैलेंटेड होते हैं, 2 महीने फिल्म बाहर निकालता हूँ, और मैंने तुम्हारे टैलेंट को देख कर यही सोचा था कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे, मेरी फिल्म जल्दी बनेगी, दुनिया के सामने आएगी, और जाहिर है इज्जत के साथ पैसा भी कमाएंगे, ये दोनों चीज़ें आपको भी तो मिलेंगी, आपको भी तो मिलेंगे ना ये दोनों चीज़ें। क्या मैं अकेला घर समेट कर ले जाऊंगा? मैं तो बहुत पीछे हूँ, मैं पसे पड़ता हूँ, मैं कैमरे के पीछे हूँ। ठीक है, लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम की वजह से मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन सामने तो तुम आते ना, किरदार तो तुम अदा करते हो, पब्लिक तुम्हें देखती है, सारी अच्छाई बुराई तुम्हारे अंदर नजर आती है, मेरे प्रोग्राम को, मेरी फिल्म को उठाने में तुम्हारे हाथ होता है और उसको ख़राब करने में भी तुम्हारा हाथ है। अच्छा काम करते 2 महीने में फिल्म निकालता,
यकीन मानिए वो फिल्म आज कामयाबी से चल रही होती, लेकिन नुकसान तुमने अपने आप को पहुंचाया। वो फिल्म कंप्लीट नहीं हुई। अब अगर फिल्म कंप्लीट नहीं हुई तो तुम्हें कौन जानता है? आज मैं तुम सबको फिल्म से निकाल दूं तो बताओ मुझे, क्या कोई तुम्हें लेगा? क्योंकि मेरे इदारे से निकलने वाला शख्स कहीं और नहीं जा सकता। हर शख्स मेरी इज्जत देता है, हर शख्स, हर प्रोडक्शन मुझे बहुत इज्जत देती है, और वो समझ जाएगी कि ये शख्स शेर खान के पास से आया है और कामयाब नहीं है, उसका मतलब है शेर खान का कसूर नहीं है बल्कि इस शख्स का कसूर है। उसको चांस मत दो। बताओ क्या तुम्हें कोई चांस देगा? कोई नहीं देगा। खुदा के वास्ते अपने आप को देखो। चलो अपने को नहीं देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने माँ बाप को देखो, इस पाकिस्तान को देखो। इस पाकिस्तान के लिए अगर तुम मेहनत करोगे, इस परचम को लहराओगे दुनिया के नक्शे पर, तो क्या पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं होगा? मजीद पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा नहीं होगा? तुम दुनिया के सामने एक टैलेंटेड फनकार की हैसियत से, टैलेंटेड शख्सियत की हैसियत से सामने नहीं आओगे? क्या लोग तुम्हें पूछेंगे नहीं? क्या तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे? क्या तुम्हारी पसीराई नहीं करेंगे? क्या तुम्हें तुम्हारे साथ सेल्फी नहीं बनाएंगे? क्या तुम्हें दौलत में नहीं नहला देंगे? लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें इज्जत भी प्यारी नहीं है, दौलत भी प्यारी नहीं है। तुम भूल गए हो कि तुम्हारे घर में बच्चे भी हैं, बीवी भी है, माँ बाप भी हैं, जिनका हक है कि तुम उनके लिए कमाओ। वो इंतज़ार करते हैं कि हमारा बाप, हमारा शौहर, हमारा बेटा कमा कर आएगा, हमारे लिए ये होगा, हमारे लिए ये कमी होगी, ये तो दूर हो जाएगी। मेरी ये कंपनी आप ही लोगों के लिए है। मेरे पास दूसरे मेरे काम बहुत हैं, लेकिन मैं इस कंपनी के लिए एक वसीयत लिखना चाहता हूँ। मैंने वकील को बुलाया कि मेरे तमाम, मेरे मरने के बाद तमाम असासे, तमाम शेयर मेरे इन फनकारों को दे देना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यार वकील, तुम वाकई बहुत और तुम तरह नखरे कर रहे हो। कितने फ़ोन करता हूँ तुम्हारे बुलाने के लिए, तुम भी मेरे साथ अजीब सलूक कर रहे हो। कितना एतमाद है मुझे तुम पर कि मेरा काम किस तरह मैं टाइम पर करना चाहता हूँ। यार मेरा एहसास किया करो, काम टाइम पर रखने की कोशिश करो। मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ हर काम। ठीक है सर, मैंने गाड़ी मंगवा ली और दूसरा वकील सर आपके साथ ठीक आउट ऑफ कंट्री है, क्योंकि वो आपका ख्याल रखेगा सर। अच्छा अच्छा, हाई कोर्ट की गाड़ी खड़ी हुई है। चलो ठीक है, अब इन सब के साथ जो मैं बहुत सारी बातें करना चाह रहा था, मैंने वकील को समझा दिया है, कर दी है। ठीक, अब तुमसे मेरी एक मीटिंग है, तुम्हें मैंने बहुत से बात बताई भी थी और कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं अपनी कंपनी के शेयर में जो वसीयत लिखना चाहता हूँ, मैं 1000 धोखे खाने के बावजूद भी मैं उन सब के नाम कर देना चाहता हूँ मरने के बाद, जो मुझे धोखा भी दे रहे हैं और मैं उनको इज्जत दे रहा हूँ। ये मेरी तालीम है, ये मेरी तरबियत है, और मैं पाकिस्तान की इज्जत और बका के लिए उन सब को सामने लेकर आया हूँ, उन सबका साथ दे रहा हूँ जो मेरे पाकिस्तान के, मेरे वतन के दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन मजबूर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, तो मैं क्यों ना उनका साथ दूँ। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे आज भी धोखा दे रहे हैं। धोखा खाने के बावजूद भी मेरे दिल से दुआएं भी निकलती हैं और मैं इनके हकूक के लिए लड़ता भी हूँ और इनका एक एक हक देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी तक मैंने इन लोगों से कोई कमाया नहीं है, लेकिन मैंने इनको बहुत पहले से पैसे देना शुरू किए और मैं दे रहा हूँ। किसी से भी पूछ लो, उसके घर में वो तमाम खुशहाली मौजूद है जो मैं इनके घर में लाना चाहता हूँ। और मेरे पास आने से पहले ये लोग क्या थे, किस तरह लोगों के दर बदर फिर रहे, काम मांगते थे, लेकिन मैं इनसे धोखा खाने के बावजूद भी इनको अपना ही समझता हूँ। काश, क्यों कि किसी एक को तो झुकना पड़ता है। मेरे भाई हैं ये लोग, मैं अगर नहीं झुकूंगा इनके सामने तो कौन झुकेगा? लेकिन हर चीज़ की हद होती है, हद होती है हर चीज़ की। मुझे कब तक नुकसान पहुंचाएंगे, मैं भी एक हद तक नुकसान बर्दाश्त करूंगा। उसके बाद जिस तरह तुम्हारी आदत है करप्शन करने की, लूट मार करने की या धोखा देने की, तो मेरी भी आदत है कि मैं लोगों के साथ भलाई करता रहूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। जानता हूँ
कि 10 आदमी मुझे टकराए और धोखा दे रहे हैं, लेकिन उनमें से अगर 4 अफराद भी ज़रूरतमंद हुए और मुझे दुआएं दी उन्होंने और मेरी हर बात को उन्होंने तस्लीम किया और मेरे हर एहसानात को माने, हालांकि एहसान की बात नहीं है, उनका हक है, तो उनको मानना भी तो चाहिए ना। अगर वो लोग मेरे इस बात को मानेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं समझूंगा कि कामयाब हो गया। वकील, मैं तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों के लिए मुझे सब कुछ करना है और उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। एक एक बात बताऊँगा, लेकिन किसी से इंतकाम नहीं लेना। हाँ, अगर कोई मेरे साथ काम करना नहीं चाहता, मैं अभी से कहता हूँ चला जाए, जो चला जाए। और धोखा खाने के बावजूद भी मैं अपनी इस कंपनी को बंद नहीं करूँगा। इस कंपनी में आप लोगों से हटकर भी बहुत सारे मुलाजिम हैं। आप लोगों को नहीं पता कि कितने मुलाजिम हैं और कैसे कैसा काम कर रहे हैं। वो मेरी तरह भरपूर मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे सामने वो लोग नहीं आते हैं, वो वतन के लिए काम कर रहे हैं, अपने घर के लिए। वतन उनका अपना घर है, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। वो नुकसान नहीं, फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। चंद तुम लोग हो जो मुझे नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो मुझे दुख हो रहा है। एक वो जो रात दिन लगे हुए हैं मेरी बात पे लब्बैक कहते हैं और हर वो काम करते हैं, वो मेरे मुल्क के लिए, मेरे अवाम के लिए भलाई का बाइस होता है और वो काम किए जा रहे हैं। तुम लोग चले जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं बंद नहीं करूँगा। तुम्हारे जाने के बाद फिर मैं धोखा खाऊँगा। इसके बावजूद मुझे 50 में से 20 आदमी भी सही मिल गए, 10 आदमी भी मुझे सही मिल गए, मैं कामयाब हूँ। लेकिन तुम लोग वही दर बदर की ठोकरें खाओगे। अल्लाह ताला तुम्हारे किसी काम में बरकत नहीं देगा और तुम्हें लोग धुतकारेंगे, काम तुम्हें धुतकारेगा। काम की कदर करने वाला शख्स कभी मार नहीं खाता, काम खुद उसकी इज्जत करता है और काम उसके पीछे पीछे होता है। वो जानता है कि ये मेरी कदर कर रहा है तो काम भी उसकी कदर करता है, उसको आगे बढ़ाता है, इज्जत देता है, दौलत देता है, दुनिया के सामने मशहूर करता है, उसको हर तरह का सुकून देता है। ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का झंडा जिससे हम सब मोहब्बत करते हैं, और जो लोग पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो इस झंडे को दुनिया के नक्शे पर इस तरह लहराते हैं कि दुनिया में ये झंडा बुलंद नजर आता है। मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसी तरह से मेरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले भी बहुत से लोग हैं। अरबों खा गए लेकिन पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सके। पाकिस्तान की अवाम टूट फूट का शिकार तो हो गई, लेकिन पाकिस्तान को नहीं तोड़ सके। इंशाअल्लाह उनमें हिम्मत नहीं होगी और अपनी मुर्गी खाएंगे तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएंगे। कौन नहीं करता करप्शन? कितने लोग हैं बड़े बड़े, बड़े बड़े कितने लोग हैं दुनिया जानती है। अब तो पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान की अवाम के अलावा दुनिया के नक्शे पर हर शख्स, हर वो मुल्क जानता है कि इस मुल्क में कौन कौन करप्शन करता है। उनके नाम लिखते हैं, हमें शर्म आती है। करप्शन, करप्शन, करप्शन पूरे मुल्क को खा गए ये लोग, पूरे मुल्क को खा गए, लेकिन कभी फायदा नहीं पहुंचाया। कभी कर्जे के रूप में खा गए, कभी बिजली के रूप में खा गए, कभी गैस के रूप में खा गए, कभी चावल दाल चीनी के रूप में खा गए, कभी आटे के नाम पर खा गए। और ये वही लोग हैं जो हुकूमत में हैं, ये वही लोग हैं जो हुकूमत में हैं, लेकिन मैं इन सबको सामने लेकर आऊँगा, मैं सामने लेकर आऊँगा, लेकिन आप लोगों की मदद से। आप लोग मेरे साथ तआवुन करेंगे, मैं फ़न के ज़रिए, मैं ड्रामों फिल्म के ज़रिए इनके चेहरे दिखाऊँगा। मेरे वो लोग जो मेरी कंपनी में गायबाना काम कर रहे हैं अपने वतन की बहबूद के लिए, पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत के लिए, उनको एहसास दिलाने के लिए। कितने ही मेरे ऐसे लोग हैं जो उनके घरों में फ्री में राशन चुपचाप डाल